इस धन धरती को नमन करते हुए गोंडवाना के सम्राट राजा शंकर सा पुत्र कुंवर रघुनाथ सा मंडावी के इस बलिदान दिवस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से मैं सादर तिलांजलि अर्पित करता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य बड़े भाई कुलेश्वर सिंह का नाम के मंच पर बच्चा से इस प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य अमान सिंह कोटे जी मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री चंद्राकर जी राष्ट्रीय संगठन सचिव रूप नारायण कोया जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधि सलाहकार इब्राहिम खान जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य अनिल गोड़ जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश नागवन सिंह जी कमलेश पाल जी रुद्र प्रसाद मिश्रा जी और तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के जिला के संभाग के ब्लॉक के जोन सेक्टर और बूथ लेवल के पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधिगण सभी को मेरा सादर सादर सेवा जवाब। साथियों ये दिन है याद करने का उन महापुरुषों को याद करने का जो कभी लोग याद नहीं करते थे। आज पूरा जबलपुर में इस सरकार के नुमाइंदे देखो किस तरह पोस्टर लगाए हुए ये जब आंदोलन चालू हुआ दादागर गांधी के माध्यम से तो लोग चाहे रानी दुर्गावती हो शंकर सा रघुनाथ सा हो चाहे वी नारायण सिंह हो शेठ बाके जी का हो तमाम जो महापुरुष हैं उन्हें लोग याद नहीं करते थे। लेकिन गोंडवाना आंदोलन के आने के बाद आपके वोट के लिए इतना लालायित है आपको वोट लेकर के वो सरकार में बैठना चाहते हैं। इसलिए कुछ दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं तमाम देश के चाहे प्रधानमंत्री हो देश का गृह मंत्री हो इसी गोंडवाना के धरती में आकर के जय सेवा का नारा लगा रहे हैं जय गोंडवाना कह रहे हैं। साथियों ये ताकत आपकी है आपको अपनी ताकत की पहचान की जरूरत है। जिस दिन आपको अपनी ताकत की पहचान हो जाएगी निश्चित तौर पर दादा हीरा सिंह पर काम ने इन मूल निवासी आदिवासी समाज के लिए रात दिन एक करके कभी धूप नहीं देखे कभी बरसात नहीं देखे कभी ठंड नहीं देखे एक धोती और बंगाली लेकर के और थैला लेकर के गांव गांव में पहाड़ों में जंगलों में जहां हमारा समाज रहता है उनको जगाने के लिए दादा बलराम जी ने आपको जाकर जगाने का काम किया। निश्चित तौर पर दादा बलराम जी के साथ में मुझे भी उनके साथ कदम से कदम चल करके 27 साल उनके साथ चलने का सबसे बड़ा सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। साथ लोग कहते हैं
कि अपने एक दिन घर नहीं छोड़ पाते, आज भी आए हैं तो लोगों को, बहुत लोगों का घर का चिंता भी होगा ना, है कि नहीं है। अरे एक तरफ का क्या हाल चाल है, मवेशी का क्या हाल चाल है, बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पहुंचते ही सुबह से लोग फोन लगा करके कई बार बात कर लिए होंगे, हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है साथी कि हम कब घर वापस होंगे। हमने तो घर वालों को भी मना कर दिया, फोन और मत किया करो भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है ना भाई। अगर आप घर में कोई स्वास्थ्य का गड़बड़ हो जाए, किसी और प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाइए, हमको फोन मत करिए। निश्चित तौर पर 10 दिन 12 दिन में हम कभी काल एक आध मिनट के लिए फोन लगा लेते हैं। तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और आपने त्याग किया है तभी ये जमाना देख रहा है साथियों। आपके बदौलत, आपकी ताकत के बदौलत सरकार झुकी, चाहे वो बलाधिकार का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, जल जंगल जमीन के लिए कुछ लोग करता रहे। आप पुराने धरना में चल रहे हैं, जल जंगल जमीन, अरे जल जंगल जमीन अगर नष्ट हो जाएगा तो दुनिया कहाँ जाएगी। अभी 2 साल पहले आप लोगों ने देखा ना कोरोना काल में, है ना भाई, उस ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मर गए, कितने लाख लोग, लाखों लोग मर गए कि नहीं मर गए। बोल वाला आंदोलन प्रकृति का संरक्षण करने की बात दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमें बताया, और उसी जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में हमारे लिए जो संविधान में व्यवस्था दी गई है। देश के 76 साल गुजर गया, लेकिन लोगों ने हमारे हक और अधिकार नहीं दिया, दिया क्या? अरे अभी पेंशन कानून, पेंशन कानून के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। 15 नवंबर को शहडोल में 2022 को देश के राष्ट्रपति आ करके मध्य प्रदेश में पेंशन कानून की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं जहां शुरुआत आपने किया आदिवासियों के जमीन से, गैस बाहर कैसे ले जा रहा है भाई, जब वो हमारा जमीन है, वो हमारा क्षेत्र है, वो गैस पर हक और अधिकार वहां के किसानों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना? तो कहां दे रहे हैं, न रेत दे रहे हैं, न पथरा दे रहे हैं, न लोहा दे रहे हैं, न बॉक्साइट दे रहे हैं, न कोयला दे रहे हैं साथियों। अगर हम बात करें खान खनिज अधिनियम की, 425 की, तो उसमें साफ कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में उस पर फैसला भी दिया 450 पेज का। इन साथियों को पढ़ना होगा, गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिए। उसमें कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहां आदिवासी निवास करते हैं, अगर उनके जमीन के नीचे में खनिज संपदा है तो उसका मालिकाना हक वहां के किसानों का होना चाहिए साथियों। ये बात सही है, लेकिन पूरा भ्रष्टाचारी में शिवराज बाबा लिप्त है, नरेंद्र मोदी लिप्त है साथियों। जब इनके भी सरकार जाएगी तो इनके ऊपर भी ईडी और क्या क्या छापा पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी तो कुछ लोग परेशान भी है कि नहीं है। अरे गोंडवाना के राज में वो 5 तोले का सोना सिक्का चलाने वाले गोंडवाना के राजा महाराजा, जिसे हमारे अनिल भाई बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनजाति नायक लिखे, निश्चित तौर पर इन तमाम पोस्टरों में जो रोड और सड़क के किनारे रखे गए हैं, चौक और चौराहे में, उसने ही बात लिखी है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो हम और आप कहां रहते। इसलिए साथियों
जो लड़ाई उन्होंने लड़ा है तो हमें उन्हें याद करने की आवश्यकता। और आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान भी किया, तो हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सम्मान तभी होगा जब आप लोग अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बना करके भेजेंगे। जब आप पार्टी का विधायक बना करके भेजेंगे मध्य प्रदेश की सदन में, हमने तो गोंडवाना पृथक गोंडवाना की राजनीति की बात कहा था, पृथक गोंडवाना राज इन बेईमानों ने नहीं दिया, ना तो कांग्रेसियों ने दिया ना भाजपाइयों ने दिया। दिया क्या भाई, दिया क्या नहीं दिया साथियों, जिसका इतना बड़ा राज और पाट रहा, इनकी संस्कृति है, इनकी भाषा है। हमने 258 रियासत देश में विलय किया, छोटा सा हमको राज्य नहीं मिला, जबकि इसी देश से एक दिन पहले 23 रियासत वालों को अलग देश बना दिया गया। उसके बाद 71 और 72 के बीच में फिर से एक देश बन गया उसके टुकड़ा होकर के। बताइए, हमने तो सीधी में कहा क्या, अभी मोदी जी इंडिया से परहेज कर रहे हैं, है कि नहीं है भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी मोदी जी इंडिया से परहेज कर रहे हैं। अब भारत लिखे थे, तमाम उनके पोस्टरों में भारत लिखा हुआ था। तो साथियों, इंडिया और भारत में आप झगड़ा कर रहे हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं 250,000 करोड़ पहले ये धरती का नाम ही गोंडवाना था, और ये उप महाद्वीप भारत है जो गोंडवाना में है, और यहाँ गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं, है कि नहीं है भाई? तो इस देश का नाम गोंडवाना रख दिया जाना चाहिए क्या, है कि नहीं है? अरे आप काम करिए, गांव में, पारा में, टोला में, मोहल्ला में, नगरों में, निश्चित तौर पर आने वाले समय आप विधानसभा में भेजेंगे और 24 में लोकसभा भेजेंगे, तो गोंडवाना का नाम अमर हो जाएगा। साथियों, हम सब साथियों को कदम से कदम मिला करके चलना होगा, तभी जाकर के ये गोंडवाना का जो पीली क्रांति जो दिख रही है वो तभी जाकर के सफल होगी। तो साथियों, ये धरती है गोंडवाना, इसमें तेरा राज था, ये धरती है गोंडवाना, इसमें तेरा राज था, और पगड़ी संभाल के रखना, पगड़ी तेरे सर का ताज था, पगड़ी तेरे सर का ताज था। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी बारी में इंतजार देता हूँ, सबके चरणों मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।